नमस्कार। शरीर में स्थित ऊर्जा के सात केंद्र शरीर के स्वास्थ्य के साथ जुड़े हैं। शरीर का प्रत्येक अंग और अवयव हमारी प्राण शक्ति से ही संचालित है। प्राण शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, हमारे भीतर, बाहर, हमारे आसपास, हमारे आर पार, हमारे प्रत्येक कोश में प्राण शक्ति व्याप्त है। प्राण शक्ति चिकित्सा उपचार इस श्रेणी के अंतर्गत आज हम स्वयं के विशुद्ध चक्र को प्राण ऊर्जा प्रदान करते हुए विशुद्ध चक्र की केंद्र ऊर्जा को चिकित्सा उपचार से संतुलित करेंगे। विशुद्ध चक्र जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है, विशुद्ध चक्र गले की ओर खुलता है और तीसरे और पांचवें गर्दन के रीढ़ के जोड़ में स्थित होता है। विशुद्ध चक्र मुख्य रूप से मुंह, दांत, जबड़े, मसूड़े, गला, कान, गर्दन, भोजन नलिका तथा थायराइड ग्रंथि और रीढ़ की हड्डी के कार्यों को नियंत्रित करता है। विशुद्ध का अर्थ है शुद्ध करना अथवा प्रक्षालन करना। विशुद्ध चक्र प्रक्षालन की क्रिया न केवल शारीरिक स्तर पर लेकिन अंतःकरण तथा मन के स्तर पर भी दर्शाता है। आंतरिक अभिव्यक्ति इसका मुख्य हेतु है। यह चक्र संचारण तथा वक्तृत्व का केंद्र है और श्रवण शक्ति तथा सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। यह व्यक्ति को संवाद करने का तथा चुनाव करने का अधिकार देता है। विशुद्ध चक्र यदि संतुलित है तो जीवन एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। तो चलिए मन को विशुद्ध चक्र के स्थान पर केंद्रित करें। धीमी गहरी सांस लेते रहे। सांसों का अनुभव करते रहें।
जब श्वास भीतर आती है तब श्वास के साथ प्राण शक्ति भी भीतर प्रवेश कर रही है। यह प्राण शक्ति विशुद्ध चक्र के साथ जितने भी अंग अवयव और तंत्र जुड़े हैं उन सभी पर विस्तृत हो रही है। जहाँ भी ऊर्जा के असंतुलन के कारण पीड़ा या दर्द है या कोई विकार है, संवादों में कड़वाहट का अनुभव, कमज़ोर वक्ता और दुर्बल श्रोता होना, ऐसा अनुभव हो रहा है स्वयं को या संभवत भविष्य में प्राण ऊर्जा के असंतुलन के कारण ऐसी कोई संभावना है, तो यह प्राण शक्ति अपनी चिकित्सा प्रणाली द्वारा विशुद्ध चक्र से जुड़े सभी अंग अवयवों को तथा तंत्र का उपचार करके संतुलन स्थापित कर रही है। विशुद्ध चक्र के साथ जुड़े हुए शरीर के सभी अंग और अवयवों को प्राण शक्ति की चिकित्सा प्राप्त हो रही है। यह प्राण शक्ति हमारे चित्त की भूमि पर भी व्याप्त हो रही है। प्राण ऊर्जा चिकित्सा के द्वारा विशुद्ध चक्र का क्षेत्र संतुलित होने लगा है। संतुलित विशुद्ध चक्र से कंठ में मिठास, संवाद में मधुरता और वक्तव्य में माधुर्य विकसित हो रहे हैं। हम एक अच्छे श्रोता के सभी गुणों को अपने भीतर विकसित होता हुआ अनुभव कर रहे हैं। स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। आलोचना के स्थान पर
प्रशंसा के भाव मन में उमड़ रहे हैं। प्राण शक्ति द्वारा चित्त और मन के बीच चिकित्सा करते हुए समग्र विशुद्ध चक्र के क्षेत्र में अद्भुत चिकित्सा उपचार हो रहा है। विशुद्ध चक्र का क्षेत्र प्राण शक्ति की चिकित्सा को स्वीकार कर रहा है। विशुद्ध चक्र के स्थान पर संतुलन और स्वास्थ्य स्थापित हो रहा है। आवाज में सुस्पष्टता, अनुकंपन के साथ लयबद्धता की अनुभूति हो रही है। जीवन के प्रति उत्साह अनुभव हो रहा है। प्राण ऊर्जा कंठ, चित्त और मन की चिकित्सा उपचार पर कार्य कर रही है। विशुद्ध चक्र का क्षेत्र प्राण शक्ति की चिकित्सा को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर रहा है। कुछ और अधिक समय प्राण शक्ति चिकित्सा को विशुद्ध चक्र के स्थान पर कार्य करने दीजिए। और जब पर्याप्त मात्रा में तृप्ति का अनुभव हो जाए तो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलकर इस ध्यान से बाहर आ जाए।